इनके लिए मुझे कुछ कहना चाहिए. सो हियर वी हैव द स्टार ऑफ डांस, स्टार ऑफ द बॉलीवुड, एंड वेलकम हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एंड सर बता रहे थे ढेर सारी स्टोरीज आपकी कि आप बचपन में इनके साथ बस में, रिहर्सल्स पे, फिल्म के सेट पे हमेशा डांस करते थे. आई नो बहुत सारी स्टोरीज होंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ दैट व्हाट स्टोरी यू लव द मोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन हू हैव कम हियर. एंड आई थिंक दैट बहुत बिफिटिंग है कि मास्टर जी एक डांस के ऊपर फिल्म बना रहे. और पहला जब प्रोमो देखा था मैंने, तो मास्टर जी से मैंने खुद पूछा था कि मास्टर जी ये म्यूज़िक किसने किया है इसका, बिकॉज आई लव द वे कि म्यूज़िक जिस तरीके से, क्योंकि जो भी म्यूज़िक दे रहा है वो डांस के प्रति उसका बहुत प्रेम होगा या म्यूज़िक को अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत गहराई में जाके इंसान ने समझा है म्यूज़िक और ऐसा म्यूज़िक दिया. एंड देन ही टोल्ड मी शिवा मनी सर ने दिया है, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये स्टेज पे हूँ इन दोनों लेजेंड्स के साथ आज. एंड बेटा बेटी इसने तो बिल्कुल सही कहा कि आप नहीं भगवान है. इवन मैं यही बिलीव करता हूँ कि बच्चे ही भगवान होते हैं, क्योंकि वो लोग इतने प्योर होते हैं उस वक्त. और फिर जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं थोड़ा करप्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स. बट मास्टर जी का जो प्रेम है डांस के प्रति वो कभी करप्ट नहीं हुआ है. वो अभी भी अगर कोई भी गाना हो, किसके लिए भी गाना कर रहे हैं, वो बुलाएंगे, बोले रिहर्सल हॉल में आओ. परफॉर्मेंस
Thank you.